नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। नमस्कार, तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं उदयपुर जिले की सायरा पंचायत समिति का ये ब्लॉक मुख्यालय है, पंचायत समिति कार्यालय। और यहाँ आज पहली बार मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं और यहाँ पर लगा हुआ है मेला। क्यों आए हुए इतने लोग, पूछते हैं इनसे, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? यहाँ हमने पंचायतवार आज बोखड़ा और जैमली के लोगों को बुलाया है जो यहाँ बैठेंगे और पंचायत कार्मिक यहाँ बैठकर उनके डॉक्यूमेंट चेकिंग होगी, सिर्फ कि वास्तव में वो डॉक्यूमेंट उनके पास है कि नहीं है। नहीं होंगे तो उनके दस्तावेजों की फोटोकॉपी करवा कर, उनके साइन वाइन करवा कर यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो ये जो पंचायत, जैसे आप बता रहे हैं कि दो पंचायतों के लोग ये हैं, आज दो पंचायतों के हैं, पर यहाँ तो 31 पंचायतें हैं। अगर अतिरिक्त लोग भी आ जाते हैं तो हमने हेल्प डेस्क सिस्टम बना रखा है, वहाँ हम बता देते हैं और शेड्यूल हमने जारी करवा रखा है, जो ग्राम विकास अधिकारी जी को बता रखा है और पंचायत कार्मिकों को बता रखा है भाई ये शेड्यूल। फिर भी भूलवश कोई आ जाता है तो हम उनको बता देते हैं कि इस तारीख को इतने बजे आपको आना है ताकि आगे की। ये लोग क्या तैयारी के साथ आए हैं, इन्होंने क्या तैयारी की है? पंचायतों को हमने कह दिया था कि भाई आपको आपका जन आधार आधार और अगर कोई बच्ची है तो बच्ची का भी आधार, बच्ची और जो जन आधार का मुखिया है वो साथ में आए ताकि यहाँ पर चेकिंग हो सके कि वास्तव में उनके दस्तावेज है कि नहीं। प्रत्येक लोगों को ये मैसेज हमने पूर्व तैयारी के अनुसार ग्राम पंचायत से कहलवा दिया। तो अब इनमें कौन कौन सी कैटेगरी के कौन महिलाएं हैं? फिलहाल जो कैटेगरी है वो एकल नारी महिला जो चिरंजीवी की है, उसके अलावा जो अपने 9th से लेकर कॉलेज तक की जो बच्चियाँ पढ़ रही है उन बच्चियों के लिए भी, और जो उन्होंने 22-23 में 100 दिन नरेगा भर रखा है पंचायत पर, तो वो लिस्ट मतलब पहले ही DIT से प्राप्त हो गई थी, उसको सॉर्टिंग करके पंचायतवार करके प्रत्येक पंचायत स्तर पे हमने अवेलेबल करवा दिए ताकि लोग घूमे नहीं और यहाँ पे कार्रवाई हो सके। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए किसी ने 100 दिन भी पूरा कर लिया है, उनके घर में बच्ची भी है जो पढ़ रही है BA कर रही है और वो एकल नारी भी है, तो फिर क्या 3 मोबाइल मिलेंगे? नहीं, 3 मोबाइल नहीं मिलेंगे, प्रत्येक जन आधार पे एक ही मिलेगा। उसके लिए हमने पंचायत और लोगों को भी हमने अवेयर करवाया कि आपको एक जन आधार पे एक मोबाइल मिलेगा। अब उनकी सेलेक्टिविटी है कि वो किसको भेजना चाहते हैं, बच्ची को भेजेंगे, एकल नारी को भेजेंगे या फिर नरेगा में, उनकी सेलेक्टिविटी के अनुसार पंचायत से ही सॉर्टिंग होकर आ जाती है कि वो व्यक्ति यहाँ मोबाइल लेने के लिए आएगा। बहुत अच्छा, राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, और आज यहाँ पर आए हुए हैं दो पंचायतों के लोग, तैयारी के साथ ये आए हैं और अब ये इंतजार कर रहे हैं। ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इनके दस्तावेज चेकिंग हो चुके हैं, दस्तावेज इनके चेक हो चुके हैं। इसके बाद क्या है कि जैसे ही हमारे पास डेस्क खत्म, मतलब रजिस्ट्रेशन डेस्क पे खत्म होते हैं, 20 लोग हम ले जाते हैं, 20 अगर खत्म होते हैं तो यहाँ से 20 वो रजिस्ट्रेशन एरिया के लिए जाएंगे। अच्छा, वो भीड़ देखते हैं अंदर वाली, जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है अंदर, क्योंकि यहाँ 3 प्रकार की प्रक्रिया है। फर्स्ट जोन में उनकी पात्रता चेक हो जाती है, सेकेंड जोन में उनका रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें 3 प्रकार के फॉर्म निकलते हैं। अगर कोई पैन कार्ड लेकर आया है तो 2 प्रकार के फॉर्म निकलेंगे, उसकी फुल KYC का फॉर्म निकलता है और उसके साथ उसके सिम जो सेलेक्ट करनी है और मोबाइल जो सेलेक्ट करना है उसका फॉर्म निकलता है। क्यों, मोबाइल अलग अलग तरह के हैं क्या? मोबाइल एक्चुअली 3-4 प्रकार के मॉडल सरकार ने भेजे हैं, लेकिन फिलहाल इनके पास 2 प्रकार के मॉडल है, 2 में से कोई एक चुनना है। जो प्रार्थी चुनेगा वो उसमें एंट्री कर लेगा। जो चलिए वो देखते हैं, वहीं देखते हैं कैसा है। सो अब हमें ले जाया जा रहा है रजिस्ट्रेशन काउंटर पर, और उससे पहले ये बताएं ये क्या है यहाँ? ये पात्रता चेकिंग का जो जोन 1 है, हाँ, मतलब वहाँ से भी चेक हो रहा है, वो सिलेक्टेड फिक्स नहीं है। उसके अलावा जो अतिरिक्त लोग आ जाते हैं उनकी पात्रता चेक करने के लिए ये जनाधार डालेंगे और ये बता देंगे, सॉफ्टवेयर बता देगा कि वास्तव में ये पात्र है कि नहीं है। पात्रता चेकिंग जोन यानी हेल्प डेस्क के रूप में हमने ड्यूल हेल्प डेस्क बना रखे हैं, वो तो पंचायत स्तर पर, और ये जो जोन 1 है और किस जोन में क्या होगा उसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये जोन 1 है, अगर आप सायरा क्षेत्र के लोग हैं, 31 पंचायतों में आप कहीं रहते हैं और आप यहां आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जोन 1 में आना है और यहां पर जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 आप देख सकते हैं सामने, ये सब लिख रखा है किस जोन में क्या सुविधाएं हैं जी। और ये सामने क्या कर रहे हैं वहां पे? ये जोन 6 है सर। जोन 6 है, तो अभी 2 पे चलते हैं। ठीक है, तो अब हमें ले जाया जा रहा है जोन 2 की ओर। जोन 2 में जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है बताएंगे। ये जोन 2 रजिस्ट्रेशन एरिया है, ये जोन 2 है जहाँ पर जो प्रार्थी वहाँ से आएगा उसका रजिस्ट्रेशन काउंटर है और यहाँ पे रजिस्टर होकर उसकी फॉर्म प्रिंट होगा और उसके फोटो लगाया जाएगा और उस फोटो के साथ उसके साइन सिग्नेचर वहाँ पे चेक कर लिए जाएंगे कि वो व्यवस्थित है कि नहीं। जैसे ही यहाँ से प्रक्रिया खत्म हो जाती है,
जैसे प्रक्रिया खत्म करके या फुल केवाईसी करवा रहे हैं, जहाँ पर उसके दस्तावेज स्कैनिंग का काम होगा, ये जोन थ्री का काम है जहाँ पे उसके दस्तावेज स्कैन हो जाएंगे, यहाँ से ओके होते ही जोन फोर की ओर उनको भेजा जाएगा। यहाँ एक तरीके से केवाईसी होगी, केवाईसी होगी मतलब उसके डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए उस आईजी के सॉफ्टवेयर। ओके, यहाँ से वो मोबाइल चाहिए, मोबाइल क्या करोगे? ये जो है वो ड्रोन फोर है, जिसमें आपको कहाँ देख रहे होंगे वहाँ पे सिम सिलेक्शन एरिया है, प्रार्थी का फोटो लिया जाएगा, उसकी केवाईसी कर सिम दी जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा दो अधिकृत वोडाफोन और बीएसएनएल को अभी वर्तमान में दे रखा है जो सिम कर रहेंगे। हमारे यहाँ पर वोडाफोन वाले आ रहे हैं, अभी बीएसएनएल वाले किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो वोडाफोन वाले सिम नंबर जनरेट करेंगे और जो फॉर्म वहाँ से एक फॉर्म दिया जाएगा रिटर्न, वो फॉर्म में वो एंट्री करेंगे। पते की बात ये है कि हर व्यक्ति को मोबाइल के साथ में सिम लेनी जरूरी है, किसी के पास है फिर भी वो ले, यहाँ उसको लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो प्लान, अगर कोई व्यक्ति वहाँ से सिम, यहाँ से मोबाइल लिया और वहाँ से सिम भी ले लिया, ये प्रोसेस हो गया, और वो काउंटर नंबर 5 में आए बगैर सीधा 6 पे चला गया, तो वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमने मोबाइल हमारे वेटिंग एरिया में पड़े रहेंगे, जब तक उसकी डीबीटी नहीं होगी तब तक यहाँ से उसको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। डीबीटी कंप्लीट होती है वो चेक करेंगे, वेंडर अपने ऐप में चेक करेगा कि इस नाम का मेरे पास पैसा आ चुका है, तो ही वो मोबाइल प्रदान करेगा। तो आप यूँ कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मोबाइल है वो मोबाइल काउंटर नंबर 6 पे ही दिया जाएगा, उससे पहले व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा हाथ में? जैसे ही डीबीटी हो जाती है, मतलब उसका पेमेंट वेंडर को हो जाता है, उस व्यक्ति को देखकर 6 में भेजा जाएगा, वहाँ पे सिम डालकर वेटिंग एरिया के लिए थोड़ी देर उसको रोका जाएगा कि सिम एक्टिव हुई कि नहीं हुई, नहीं होती है तो हम वेंडर को कहकर तुरंत ही उस सिम को एक्टिव करवाते हैं ताकि प्रार्थी को ढूंढना नहीं पड़े। अभी तक कितने दिए जा चुके हैं मोबाइल, एवरेज एक दिन में कितने दे रहे हैं आप? सर एवरेज अभी तक हमारा जो निकला है वो 90-100 के बीच का रेशियो है। ओके, तो इस हिसाब से आपके पास लगभग 400-500 मोबाइल जा चुके हैं। ए भाई, सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।